हेलो एंड वेलकम। आज हम अरबी के पत्तों से नाश्ता बनाएंगे। इन्हें पत्तौड़, पत्रा या आलू बड़ी भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निधि, क्रिएटिव रेसिपीज एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये हैं अरबी के पत्ते। इनको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। बड़े या छोटे पत्ते ले सकते हैं, बट पीले और सूखे पत्ते ना लें। तो पहले इनकी डंडी हटानी होगी, जो इनकी मोटी बेल होती है उसको काट कर हटा देंगे और उल्टा करके बेलन की सहायता से जो इनकी स्टेम है, जो ये बेल होती है, इसको हल्का सा हम बेल देंगे, जिससे रोल बनाने में हमें आसानी होगी। तो सभी पत्तों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और अगर ये कट भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सब हम इनको अच्छे से सेट कर देंगे और सभी पत्तों को इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फुल वॉच करना। तो अब लेंगे हम इनको लपेटने के लिए बेसन का बनाएंगे हम घोल। तो मैंने एक कप बेसन लिया है, उसमें जाएंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तीखा करने के लिए रेड चिली पाउडर, आप हरी मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं, और खटास के लिए अमचूर पाउडर, आप इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और ये है था स्वाद के अनुसार नमक, और अजवाइन और हींग ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आप हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, और लहसुन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन ना डालें। और अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे एक नींबू का रस, और इसमें खटाई इसलिए ज़्यादा डाली जाती है अरबी के पत्तों से, हमारे गले में जो है खराश नहीं होगी। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक रनिंग कंसिस्टेंसी में हम अपना बैटर तैयार करेंगे। अब उल्टी तरफ से हम पत्ता लेंगे और अपना बैटर, जो बेसन का घोल है, इक्वली फैला देंगे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के फैला देंगे, और हम इस तरह का एक स्पैचुला लेंगे, इससे आपके हाथ गंदे भी नहीं होंगे, और जो आपका बेसन है इवनली चारों तरफ पत्ते पे फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखें, तो जिससे आपको फुल रेसिपी की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो बने रहें मेरी वीडियो पर। अब एक पत्ता तैयार करने के बाद हम दूसरा पत्ता उल्टी साइड से इस तरह से लगाएंगे, सेट करेंगे, और फिर इस पर हम बेसन का घोल डाल देंगे। इस तरह से हम तीन चार पत्तों को एक के बाद एक लगाएंगे और इस तरह से तैयार कर लेंगे। आपको जितना मोटा पतला रोल बनाना हो आप उतने ही पत्ते इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने चार पांच पत्तों से रोल तैयार कर लिया है। अब पहले इसके हम दोनों तरफ के ये एजेस को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस पे भी थोड़ा थोड़ा हम बेसन लगा देंगे, जिससे हमारा रोल खुलेगा नहीं, वह चिपका रहेगा। और इधर साइड से भी हम इसको मोड़ देंगे, और सेकंड इधर साइड से भी हम इसको
मोड़ देंगे। और इस पे भी थोड़ा थोड़ा हम बेसन लगा देंगे और हम अपना रोल तैयार करेंगे। तो आप इसको धीरे धीरे से इस तरह से फोल्ड कीजिए तो आपका रोल जो है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और इसको चिपका देंगे बेसन की सहायता से। ये देखिए एक हमारा रोल तैयार है। इसी तरह से सभी रोल तैयार कर लेंगे। तो मेरे ये दो रोल तैयार हैं और मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये चलनी में ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। और जिधर जोड़ की साइड से हम इसको रखेंगे तो ये जो है छूटेगा नहीं। तो आप इस छोटी छोटी बातों की छोटी छोटी स्टेप्स के ध्यान रखें तो जो आपका ये अरबी के पत्तों का नाश्ता है, पकौड़ है, बहुत ही अच्छा बनेगा। और इनको लगभग हम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर रखेंगे। और मैंने 20 मिनट बाद इसको चेक किया था तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। तो ये हमारा रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। आप इसको ठंडा होने के बाद ही काटें, नहीं तो आपके पत्ते खुल सकते हैं और आपका हाथ भी जलेगा। तो इस तरह से आप सभी छोटे बड़े जो भी साइज आपको सही लगे अपने रोल्स को काट लें। ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। चलिए पैन में लेंगे हम ऑयल, उसमें डालूंगी मैं जीरा और डाले हैं मैंने तिल। एक चम्मच जीरा डाला है, एक चम्मच डाले हैं मैंने तिल। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तिल से। तो आप इसको अगर आपके पास तिल हो तो ज़रूर डालें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अपने जो भी पात्रा हैं उनको हम सेट कर देंगे कढ़ाई में और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सीखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो फुल वॉच करें, जब भी आप रेसिपी की जानकारी ले पाएंगे कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। और फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से इसको बनाते हैं और मुझे कुछ सुझाव भी दें कि मैंने क्या गलती की है, तो आप उसको ज़रूर बताएं। और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके पास जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो एक तरफ से सीख गए थे तो मैंने दूसरी तरफ इनको पलट दिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन आया था और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आया था फ्रेंड्स। तो अब ये दोनों तरफ से सीख कर रेडी हैं। चलिए निकाल लेते हैं इनको प्लेट में और हम करेंगे इनको सर्व। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।